अगर हम बात करें कि समुद्री शैवाल क्या है, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल क्या होते हैं। समुद्री शैवाल वैश्विक उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन है, जिसका मूल्य लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर होता है। कुल वैश्विक उत्पादन का 57% हिस्सा चीन, 28% इंडोनेशिया, इसके बाद दक्षिण कोरिया और अन्य तरह के 1-2% में भारत का भी उत्पादन होता है। शैवाल की खेती के कई लाभ होने के बावजूद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समान भारत में भी अभी इसकी व्यावसायिक खेती शुरू हो गई है और उपयुक्त पैमाने पर की भी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार यदि देश में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 5% में इसकी खेती की जाए तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। नया समुद्री शैवाल उद्योग स्थापित भी कर सकता है जो राष्ट्रीय जीडीपी में बड़ा योगदान कर सकता है, समुद्री उत्पादों में वृद्धि कर सकता है, जल क्षेत्रों में शैवालों की अनावश्यक भरमार भी कम हो जाएगी, लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, समुद्री पर्यावरण को और से और बेहतर भी बना सकता है और 6.6 अरब टन जैव ईंधन का उत्पादन संभव बना सकता है। अब यह हो गया शैवाल की उपयुक्तता। शैवाल है क्या, तो यह इसका एक छोटा सा आंसर है कि समुद्र में यानी जल में उगने वाला यह एक पौधा कह सकते हैं या हम घास कह सकते हैं, जो जमे हुए पानी में या किसी भी तरह के जल क्षेत्र में ऑटोमेटिक उग जाते हैं। लेकिन इसके उपयोग को देखते हुए अब इसका खेती भी प्रारंभ हो गया है और इसकी उत्पादकता और इसकी मांग इतनी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी अर्थव्यवस्था में उपस्थिति दर्ज कराने लगा है।